किसी समय की शर्मिला चारू आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। जानिए सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर की नई आईजी को सीके न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बचपन में शांत सी दिखने वाली लड़की कभी अकेले बाहर निकलने से हिचकती थी, आज वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार और बिहार में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में नेतृत्व क्षमता साबित कर चुकी चारू सिन्हा कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 1996 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की यह आईपीएस अधिकारी कश्मीर में सीआरपीएफ में महानिरीक्षक रैंक की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। निश्चित तौर पर उनकी यह जिम्मेदारी उन्हें अब तक मिली जिम्मेदारियों में से कई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, लेकिन आत्मिक बल के दम पर वह हर चुनौती से निपटने को तत्पर दिखती हैं। सीआरपीएफ के संवेदनशील माने जाने वाले श्रीनगर सेक्टर की आईजी के नाते उन्हें नागरिक प्रशासन और पुलिस के साथ साथ सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर आगे चलना है। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की आतंकी संगठनों में भर्ती पर काबू पाने से लेकर आतंकी बने युवकों के सरेंडर को सुनिश्चित बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी उनके अनुभव का इम्तिहान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला अधिकारियों से गुमराह युवाओं की माताओं से अपील कराने की नसीहत के बाद उनसे यह उम्मीद यूं ही नहीं है। आंध्र प्रदेश में वह कई हथियारबंद नक्सलियों का सरेंडर करा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद उन्होंने तेलंगाना को अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया। कश्मीर से पूर्व जम्मू में बतौर आईजी सीआरपीएफ रही चारू सिन्हा को सौंपे श्रीनगर सेक्टर की अहमियत और संवेदनशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अधीन श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल जिले आते हैं। कश्मीर स्थित सीआरपीएफ का ग्रुप सेंटर श्रीनगर एयरपोर्ट भी इनके अधीन रहेगा। इस सेक्टर में 2 रेंज, 22 एग्जीक्यूटिव यूनिट और 3 महिला सीआरपीएफ कंपनियां हैं। चारू सिन्हा की नियुक्ति को लेकर कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ एजाज़ अहमद वार ने कहा कि उनका प्रोफाइल शानदार है, उसे देखकर उनसे यहां उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। इस समय कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती नए आतंकियों की भर्ती रोकना है। आतंकी बने युवाओं को किसी तरह मुख्य धारा में लाना है। कश्मीर में सीआरपीएफ पहले ही जनसंपर्क और जन सहयोग के कई कार्यक्रम चला रही है। अब देखना यह है कि वह कैसे इन युवाओं की भर्ती पर रोक लगाते हुए आतंकियों के सरेंडर के लिए ज़मीन तैयार करती है। बचपन में बेहद शर्मीले स्वभाव के कारण चारू सिन्हा घर से बाहर अकेले निकलने में भी हिचकती थी। उनका कहना है कि मन में हमेशा स्वयं को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनने के लिए दृढ़ संकल्प था। पूर्व में एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बचपन के दिनों का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वह पिता के साथ अक्सर पुटपर्थी में स्थित सत्य साई के दरबार में जाती थी। वहाँ उनके अंदर नया विश्वास जगा और जीवन को समझने देखने का एक नज़रिया मिला और वह फिर सब कुछ बदल गया। वह मीडिया की सुर्खियों से दूर रहना पसंद करती हैं। उनके मुताबिक जब वह आईपीएस अधिकारी बनी तो उस दौर में बहुत कम युवतियां पुलिस में होती थीं। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद शुरुआती दौर में अक्सर मीडिया उनके पीछे रहता था। कई बार लगता कि निजी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, खैर बाद में इसकी अभ्यस्त हो गई। हैदराबाद स्थित सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन से स्नातक की और उसके बाद उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सीके न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।